हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, ये जो है हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है जो बेसिक स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज के है, राइट। यहाँ पे हम बात करें तो बेसिक स्टेप में हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट, कि फर्स्ट स्टेप इन दिस आइसोलेशन ऑफ डीएनए, राइट, कि डीएनए को हमें आइसोलेशन करना है, राइट। सो फर्स्ट स्टेप्स हमारा है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन यानी कि क्या स्टूडेंट, तो प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए, कि हमें हमारा जो डीएनए है वो प्योर फॉर्म में चाहिए, ओके। देन उसे हम क्या करेंगे, तो आगे हम देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस। सो हमने फर्स्ट क्या करना है कि हमारा जो डिजायर डीएनए है उसे सेपरेट करना है, उसे कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस का यूज़ करना है, राइट। देन आगे बात करें, आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, कि हमारे डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करके उसे हमें क्या करना है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएस एंजाइम्स की हेल्प से कट करके क्या करना है, तो आगे वेक्टर के अंदर डालना है, राइट। ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, और उसके बाद होस्ट में कल्चरिंग द होस्ट सेल इन मीडियम एट अ लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट, कि होस्ट के अंदर हम डालेंगे, बाद में ये होस्ट को हम किसी ऐसे एक रेसिपिएंट सेल के अंदर डालेंगे उसकी हेल्प से। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि वेक्टर, एज अ वेक्टर हम प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, तो प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है जो कि एक बैक्टीरियल सेल में एडिशनल जीनेटिक मटेरियल की जगह पे है, राइट। तो जितनी बार वो बैक्टीरिया डिवीजन करता है, मल्टीप्लाई करेगा, अपने जैसे मल्टीपल सेल्स फॉर्म करेगा, तो उतने टाइम पे उसके अंदर जो प्लाज्मिड होगा वो भी मल्टीप्लाइज होगा, राइट। तो ऐसे लार्ज स्केल में हम बैक्टीरिया को ग्रो करवा के हमारे डिजायर डीएनए की जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, वही चीज़ हम इन डिटेल में देखेंगे, ओके। फर्स्ट देखते हैं आइसोलेशन ऑफ जीनेटिक मटेरियल, ओके। तो आइसोलेशन ऑफ जीनेटिक मटेरियल कि किस तरह से हमें ऐसे प्योर फॉर्म में डीएनए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लें तो कि हम डीएनए कैसे लेंगे, ऑफकोर्स डीएनए किसी सेल में होगा। फॉर एग्जांपल ये लीफ है, राइट, ये लीफ में से हमें डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस लीफ की पेस्ट बनाएंगे, राइट, उसे क्रश कर देंगे और वो पूरा जो उसका सस्पेंशन होगा उसे हम टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। जब हम एक लीफ को कट करते हैं तो वो लीफ के अंदर आपको बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, मिनरल्स होंगे एंड अनदर जो आरएनएज होंगे, राइट, बहुत सारे अनदर कंपोनेंट्स होंगे। तो उसमें डीएनए के साथ साथ अनदर बायो मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो उसे सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट हमें चाहिए कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल, डीएनए चाहिए, तो डीएनए चाहिए तो ये सारी जो एडिशनल चीज़ें हैं उसे रिमूव करनी है, ओके। तो उसे रिमूव करने के लिए हम उसे एंजाइम्स ट्रीटमेंट देंगे, राइट। तो उसके बारे में देखते हैं, तो क्या है न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शंस, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिस इज डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट्स नीड टू बी इन प्योर फॉर्म, राइट, कि हमें प्योर फॉर्म में चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने कट तो कर दे लेकिन प्योर फॉर्म में डीएनए तो चाहिए ना, तो वो कैसे मिलेगा, फ्री फॉर्म अदर माइक्रोमोलिक्यूल सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए अलोंग विद अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स सच एज आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड ऑल्सो लिपिड्स, राइट। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि अनदर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, तो स्टूडेंट हर एक मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करने के लिए हम यहाँ पे डिफर एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं। सो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है कि कौन कौन से एंजाइम्स यूज्ड होते हैं, ओके। तो यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एंजाइम्स ऐड करेंगे। कौन सा एंजाइम्स ऐड करेंगे,
तो फॉर एग्जाम्पल अगर एनिमल सेल हो, राइट, एनिमल सेल हो, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे देखो एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, या ऑर्गेनिजम्स हो यानी कि बैक्टीरिया हो, राइट, तो हर एक की रिक्वायरमेंट्स जो होगी वो डिफर होगी। वो देखते हैं कैसे, जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया जो है, तो बैक्टीरिया को स्टूडेंट डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए लाइसोजाइम्स, एंजाइम्स। रिमेंबर दिस थिंग्स फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको ऐसे एमसीक्यूज में आ सकता है, ओके, कि बैक्टीरिया को जो है हमें बैक्टीरिया में से डीएनए आइसोलेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कौन सा एंजाइम्स चाहिए, तो लाइसोजाइम्स एंजाइम्स चाहिए, ओके। देन आगे देखें तो सेल्युलेज, सेल्युलेज स्टूडेंट हमें ऑफकोर्स आपको पता है कि जो प्लांट सेल वॉल है, राइट, प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्युलोज, राइट, सो यहाँ पे स्टूडेंट प्लांट को डाइजेस्ट करने के लिए, प्लांट के जो अनदर कंपोनेंट डाइजेस्ट करने के लिए हमें सेल्युलेज एंजाइम्स चाहिए, ओके। सो इसे भी ध्यान रखना कि कौन सा एंजाइम्स, सेल्युलेज एंजाइम्स। आगे हम बात करें तो फंगल सेल मेड अप ऑफ काइटिन, सो यहाँ पे हमें काइटिन यूज़ करना है, ओके। आगे देखें, यू नो दैट जीन आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इंटरवाइन विथ प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स, द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय, ओके। तो डीएनए जो है स्टूडेंट वो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स है, और वो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स जो है वो बना हुआ है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन टाइप्स ऑफ प्रोटीन से, राइट, तो इसके बारे में बताया है और उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन कोडेड है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आरएनए होता है, तो एडिशनल आरएनए भी हमें रिमूव करना है, तो आरएनए स्टूडेंट हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिबोन्यूक्लिएज, ओके। आरएनए कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस रिबोन्यूक्लिएज एंजाइम्स, कि रिबोन्यूक्लिएज एंजाइम्स के हम ट्रीटमेंट दे के एडिशनल आरएनएस रिमूव कर सकते हैं। वेरस प्रोटीन कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद प्रोटीएज, अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेशन, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट नॉट ओनली वन बट बहुत सारे ऐसे डिफर अकॉर्डिंग टू बायो मॉलिक्यूल्स हमें एंजाइम्स ऐड करने हैं। वो एंजाइम्स हम इस क्या करेंगे, तो एंजाइम्स जो है इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाले, तो वो एंजाइम्स सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेगा, राइट, और उसे रिमूव करने में हमें इजी रहेगा। फिर क्या करेंगे, बहुत सारे एंजाइम्स डाले, डाइजेशन हो गया, फिर इसमें डालते हैं स्टूडेंट चिल इथेनॉल, ओके, चिल इथेनॉल, ओके। तो स्टूडेंट चिल इथेनॉल ट्रीटमेंट क्या है, तो ये सारे एंजाइम्स की ट्रीटमेंट देने के बाद हम जब इसमें चिल इथेनॉल डालते हैं, राइट, तो चिल इथेनॉल डालने से हमारा जो डीएनए है, यहाँ पे आपको जो डायग्राम में दिखाया गया है ना कि कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन अ सस्पेंशन, कि हमारे डीएनए का थ्रेड लाइक सस्पेंशन हमें चिल इथेनॉल ट्रीटमेंट से मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कि चिल्ड इथेनॉल की हेल्प से हमें एट द एंड प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए मिलेगा आफ्टर एंजाइम्स ट्रीटमेंट, ओके। तो अब हमने प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए चिल इथेनॉल ट्रीटमेंट के बाद मिल गया, अब नेक्स्ट हमें देखना है कि कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, कि अब समझो कि आपको प्योर फॉर्म ऑफ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिल गया, तो कटिंग ऑफ द डीएनए कैसे हम करेंगे, तो यू नो दैट कि कटिंग ऑफ डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, राइट, कि हम किसी भी डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से कट कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं आगे, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाइजेस्ट आर परफॉर्म बाय इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एट ऑप्टिमल कंडीशन,
फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम्स, ओके, वो हमने आगे भी स्टडी किया हुआ है कि कटिंग करना है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से कट करेंगे. फिर डिज़ायर डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो डिज़ायर डीएनए फ्रैगमेंट को हम अगारोस जेल, राइट, की अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड की हेल्प से हम उसे सेपरेट आउट करेंगे, राइट, जो कि हमने आगे भी डिस्कस किया हुआ है. इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन. DNA is a negative charge molecules, hence it move toward the positive electrode, anode, right? ये हमने स्टूडेंट आगे जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कस किया था, उसमें डिस्कस किया था कि DNA के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो नेगेटिव चार्ज्ड होगा और ये नेगेटिव चार्ज DNA जो है पॉजिटिव के टूवर्ड मूव करेगा, राइट. सो इसके हेल्प से हमने फ्रेगमेंट करें, उसके बाद वहाँ से जो जेल है उसमें से हम हमारा डिजायर डीएनए निकाल देंगे. दैट प्रोसेस नोन एज एल्यूशंस, वो हमने आगे देखा था. अब क्या होगा, तो इसी तरह से जो हम वेक्टर डीएनए यूज़ करने वाले हैं, वेक्टर भी वन काइंड ऑफ डीएनए है. फॉर एग्जांपल हम प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड इज अ वन काइंड ऑफ एक्स्ट्रा सर्क्यूलर डीएनए, उसे भी हमें ऐसी ही प्रोसेस की हेल्प से सेपरेट आउट करना होगा. अब क्या करना है, तो अब वेक्टर के अंदर भी हमें स्पेसिफिक साइड पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से क्या करना है, कट करना है, राइट. फॉर एग्जांपल कि समझो कि ये आपका वेक्टर है, तो वेक्टर पे आप क्या करोगे, पहले तो सेम इसे भी बैक्टीरिया को ट्रीटमेंट देने के बाद उसे ऐसे आइसोलेट किया. अब डिज़ायर जगह पे हम कट करेंगे और हमारा जो डिज़ायर डीएनए होगा, राइट, वो यहाँ पे हम फिट करेंगे. तो कट करने के लिए पता है आपको कौन सा डीएनए है, पता है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. जॉइन करने के लिए कौन सा, तो याद रखना लाइगेजिस, ओके, लाइगेज एंजाइम्स यूज फॉर द जॉइन दिस डीएनए, ओके. तो अब हमें क्या करना है, तो जॉइन डीएनए इन्वॉल्व द सेवरल प्रोसेस आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विथ अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. द कट आउट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर विद स्पेस आर मिक्स एंड लाइगेज इज एडेड, राइट. सो लाइगेज यहाँ पे एडेड होगा फॉर ओके लाइगेज एडेड होगा द रिजल्ट इन प्रेसिपिट आगे जो है एक मिनट रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. कि अब हमने जो है